भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास रच दिया है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इकलौते टेस्ट मैच में 347 रन से जीत दर्ज कर ली है। ये रनों के हिसाब से महिला टेस्ट मैचों में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले विमेंस क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के ही नाम था, जिन्होंने 1998 में पाकिस्तान को 309 रन से हराया था। इस जीत की एक और खास बात यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ घर में खेले गए 6 टेस्ट मुकाबलों में भारत की ये पहली जीत है। हालांकि हम इंग्लैंड में उनसे जरूर जीते हैं। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में पहले बैटिंग करते हुए 428 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए सतीश शुभा, जमाइमा रॉड्रिज, यास्तिका भाटिया और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतकीय पारियां खेली। इस स्कोर के जवाब में अंग्रेजों की टीम 136 रन पर ऑल आउट हो गई। दीप्ति ने अकेले 5 विकेट निकाले, यानी भारत को पहली पारी के आधार पर 292 रन की बढ़त मिल गई। 292 रन की बढ़त के बाद दूसरी पारी में भारत ने 186 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और इंग्लैंड को जीत के लिए 479 रनों का लक्ष्य दिया। इस स्कोर के जवाब में इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 131 रन पर ऑल आउट हो गई। खास बात तो ये रही कि चौथी पारी में इंग्लैंड ने 27.3 ओवर की बल्लेबाजी की, जो महिला टेस्ट मैचों में सबसे छोटी ऑल आउट पारी है। दूसरी पारी में भी दीप्ति ने 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं पहली पारी में अपना 5 विकेट हॉल पूरा करने के लिए दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 5.3 ओवर लिए, जो कि सबसे कम ओवर में 5 विकेट लेने वाला रिकॉर्ड है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ ये जीत बेहद बड़ी है, क्योंकि टीम इंडिया को इंग्लैंड के साथ इकलौता टेस्ट ही खेलना था। तो ये बात रही भारत इंग्लैंड के टेस्ट मैच की, लेकिन खेलों से जुड़े और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। मेरा नाम है उपासना, शुक्रिया।